नमस्कार, मैं हूँ अमिता, अमिताज किचन रेसिपीज में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चिकन कोफ्ता करी, जो बहुत ही टेस्टी होता है। इसे मैं बहुत ही सिंपल वे में बनाऊंगी, इसे मैं कुछ सिंपल स्टेप्स में जो है बनाऊंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका जो कोफ्ता बनेगा उसके लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए और साथ ही इसमें कौन कौन से मसाले जाएंगे। कोफ्ता बनाने के लिए 500 ग्राम चिकन का कीमा, ये बहुत ही बारीक पिसा हुआ है, और जो है इसमें डालने के लिए एक छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई, आधा छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, नमक स्वाद के हिसाब से, एक बड़ा चम्मच बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती, 3 से 4 बड़े चम्मच भुना हुआ बेसन, इसकी जगह आप ब्रेड क्रम भी यूज़ कर सकते हैं, साथ ही जो है एक बड़ा चम्मच बारीक कटी हुई पुदीना की पत्ती। कोफ्ता करी के लिए ग्रेवी बनाने के लिए हमें जो मसाले चाहिए वो इस तरह से है। इन मसालों को हम ग्राइंडर में डालकर जो है पीस लेंगे। 10 काजू के पीस जो है, एक छोटा चम्मच जीरा साबुत, एक बड़ा चम्मच धनिया साबुत, 3 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च, 4 से 5 लौंग और 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, साथ ही जो है इसमें जो है हम जो तड़का लगाएंगे उसके लिए हमें चाहिए 1 छोटा टुकड़ा जो है दालचीनी का, 1 जो है इलायची छोटी और 1 बड़ी इलायची, साथ ही जो है इसमें कसूरी मेथी चाहिए और 2 बड़ा चम्मच जो है पिसा हुआ प्याज का पेस्ट जो है, इसको एक मीडियम साइज प्याज को जो है मैंने ग्रेटर से ग्रेट करके इसका पेस्ट बना ली हूँ, साथ ही जो है आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 बड़ा टमाटर जिसको मैंने मिक्सी के जार में डालकर इसकी प्यूरी बना ली हूँ, 3 बड़े चम्मच 3 से 4 बड़े चम्मच एकदम फ्रेश कर्ड हमको चाहिए, साथ ही 1 बड़ा चम्मच धनिया की पत्ती गार्निश के लिए, और साथ ही जो है इस तरह से हरी मिर्च के टुकड़े जो है इसको जो है मैं लंबा जो है स्लाइस में जो है लंबे स्लाइस में काट ली हूँ, ये भी गार्निश के लिए हमें चाहिए। आवश्यकता के अनुसार पानी और तेल जो है आवश्यकता के अनुसार हमको जो है कोफ्ता को तलने के लिए भी चाहिए, और साथ ही 3 बड़े चम्मच जो है कोफ्ता करी बनाने के लिए तेल चाहिए। तो चलिए हम इसके बाद जो है हम नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं और कोफ्ता बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। आइए अब हम कोफ्ता बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। मैंने एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल ले ली हूँ। इस मिक्सिंग बाउल में मैं पूरा जो है 500 ग्राम जो है चिकन का बारीक पिसा हुआ कीमा जो है मैं डाल दूंगी, और इसमें सारी चीज़ें 1 by 1 जो है हम इसमें डालेंगे। इसमें जो है आधा जो है मैं सब्जी के लिए बचाऊंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, और आधा जो है मैं कोफ्ता के अंदर डालूंगी। इस तरह से ये हटा देती हूँ मैं, और साथ ही जो है इसमें आधा इसमें से हम गरम मसाला डालेंगे और आधा हम कोफ्ता के अंदर डालें, कोफ्ता करी बनाने की जो ग्रेवी बनाएंगे उसमें हम यूज़ करेंगे। साथ ही इसमें हम चिली फ्लेक्स डाल देंगे 1 छोटा चम्मच, 2 हरी मिर्च जो है कटी हुई डाल देंगे, धनिया की पत्ती, पुदीना की पत्ती, पुदीना पत्ती डालने से बहुत ही अच्छा जो है फ्लेवर आता है, साथ ही इसमें जो है नमक स्वाद के हिसाब से डालेंगे। तो मैं इसमें आधा छोटा चम्मच जो है नमक डालूंगी, ज़्यादा नमक डालने से जो है बहुत अधिक जो है, क्योंकि ग्रेवी में भी इसमें नमक डलेगा, इसलिए जो है सिर्फ आधा छोटा चम्मच जो है हम इसमें डालेंगे, और इसे मैं अच्छी तरह से जो है मिलाऊंगी पहले इस तरह से, और साथ ही हम जो है इसमें 3 से 4 बड़ा चम्मच हम भुना हुआ बेसन भी डाल देंगे। पहले मैं 3 चम्मच डालती हूँ, फिर उसके बाद जो है डालेंगे। इसको मैं हाथ से मिला लेती हूँ, पहले थोड़ा सा चम्मच से मिलाऊंगी, फिर उसके बाद मैं हाथ से मिलाऊंगी। इस तरह से मिलाने से जो है ये अच्छी तरह से जो है बनता है, साथ ही इसमें थोड़ा सा हम जो है ऑयल भी डाल देंगे, तो ऑयल डालने से जो है ये चिपकेगा भी नहीं और हाथ में भी खराब नहीं होगा। तो 1 छोटा चम्मच जो है इसमें मैंने कुकिंग ऑयल भी डाल दिया। अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे इस तरह से, और आवश्यकता होगी तो 1 चम्मच जो है हम
और जो है इसमें बेसन डाल देंगे। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से मिल गया है ये। इसमें हम दोनों में नमक डालेंगे, कोफ्ता के अंदर भी डालेंगे, ग्रेवी के अंदर भी डालेंगे, इसीलिए जो है। और इसमें जो है लास्ट जो है एक बड़ा चम्मच जो बचा है, तो इस तरह से मैंने टोटल जो है चार बड़े चम्मच इसमें बेसन डाल दी हूँ। भुना हुआ बेसन डालेंगे, कच्चा डालेंगे तो इसमें जो है कच्चापन लगेगा, इसलिए जो है बेसन जो है भून कर डालिए। इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे हम। ये देखिए अच्छी तरह से ये मिल गया। अब जो है इसे मैं इसके किनारे थोड़ा से कर लेती हूँ। हाथ में मैं थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी और ऑयल लगाने के बाद जो है इससे मैं जो है बॉल बना के दिखाती हूँ आपको। हाथ में हम थोड़ा सा बॉल तेल लगा लेंगे। इसमें से थोड़ा सा जो हमने डो बनाए हैं इसका, उससे हम थोड़ा सा जो है पोर्शन लेंगे और इस तरह से हम बॉल जो है इसमें बना लेंगे। इस तरह से हम दो बॉल में बना के दिखाती हूँ और फिर उसके बाद जो है बाकी के सारे जो है इसी तरह से हम बना लेंगे। कोफ्ता जो है हम इसे कोफ्ता गोल गोल जो है हम बॉल शेप में जो है कोफ्ता बनाएंगे। आप चाहे तो ओवल शेप में भी बना सकते हैं। ये देखिए एक जो है बनकर तैयार हो गया, ये दूसरा बनकर तैयार हो गया, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आप अपने मन चाहे साइज में जो है इसे बनाइए। ये देखिए इस तरह से जो है मैंने ये तीन जो है बॉल बना ली हूँ, बाकी जो है इसी तरह से हम बना लेंगे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ेंगे। मैंने ये कोफ्ता के बॉल बनाकर तैयार कर रही हूँ। ये टोटल जो है 20 जो है बनकर तैयार है। और साथ ही जो मैंने ग्रेवी के बनाने के लिए जो खड़े गरम मसाले और काजू के साथ था उसे भी इस तरह से पीस कर जो है इसका पाउडर बनाकर रख ली हूँ। अब जो है मैंने गैस ऑन कर ली हूँ और गैस ऑन करके इसके ऊपर एक नॉन स्टिक जो है पैन रख दी हूँ। साथ ही जो है इसमें तेल डाल दी हूँ। इसको हम शैलो फ्राई करेंगे, तो इसलिए जैसे ही तेल गर्म होगा हम इसमें ये उठा उठा कर जो है बॉल जो है गोल करते हुए डालेंगे। ये देखिए तेल गर्म हो चुका है, जितना बॉल आ सकता है इसमें हम डालेंगे उतना ही डालेंगे। और इसको हम मीडियम टू हाई और लो सब करते हुए जो है इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। इस तरह से जो है हम इसे हिला लेंगे। अभी एक दो बॉल और आ जाएगा इसमें, एक बॉल और हम डाल देते हैं और बाकी के बचे हुए जो है बॉल जो है उसको भी हम इसी तरह से जो है फ्राई कर लेंगे। जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन होगा मैं आपको शो करती हूँ। ये देखिए हमारा जो है कीमा का जो है बॉल जो है कोफ्ता जो है बिल्कुल बनकर जो है तैयार है। मैंने इसे मीडियम टू हाई और लो फ्लेम करते हुए अच्छी तरह से जो है इसको फ्राई कर लिया है। गोल्डन ब्राउन ये हो चुका है। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन कलर इसका आया है। इसको जो है मैं एक आपको दिखाती हूँ। ये देखिए थोड़ा सा गैस का फ्लेम जो है ये कर लेते हैं, हाई कर लेते हैं और ये देखिए जो है, ये देखिए इतना अच्छा जो है ये बनकर तैयार है जो है। अब हम इसे निकाल लेंगे और बाकी जितने भी बचे हैं चार छः कोफ्ते जो है उसको जो हम इसी तरह से जो है फ्राई करके निकाल लेंगे। आप इसको जो है बनाकर पहले से भी रेडी करके जो है फ्रोजन जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कोफ्ता जो है पूरा
जो है 15 से 20 दिन तक जो है या एक महीने तक जो है आप इसको जो है स्टोर करके रख सकते हैं फ्रीजर में और जब चाहे इसका जो है उपयोग कर सकते हैं। और साथ ही जो है अब जो है हम ग्रेवी बनाएंगे और ग्रेवी बनाने के लिए जो है मैं यहाँ पे जो है इसे हटा देती हूँ और बाकी कोफ्ता को जो है मैं दूसरे जो है बर्नर में रख के जो है तल लूंगी। जो है अब मैं इसमें से तेल जो है निकाल लेती हूँ और इसी तेल से जो है हम कढ़ाई में निकाल लेते हैं। 3 बड़ा चम्मच तेल जो है मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ और इसके सबसे पहले जो है हम सारी चीजें जो है लेकर आते हैं। ये हमारा कोफ्ता तो रेडी हो चुका है, अब जो है हम इसकी जो है ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गैस जो है ऑन करके मैंने कढ़ाई रख ली हूँ, पहले से ऑन था और अब जो है इसमें तड़के का चीज डालती हूँ। 1 छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, 1 बड़ी इलायची और 1 जो है छोटी इलायची। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज। अभी गैस का फ्लेम जो है हम थोड़ा सा धीमा कर देंगे क्योंकि प्याज से जो है छींटे पड़ते हैं हाई फ्लेम में रखने से। और साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। ये देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट हम डाल दिए और इसे भी डालकर हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। हाई फ्लेम में मैं अभी इसको कर रही हूँ। साथ ही जो है हम इसके अंदर जो है हल्दी पाउडर डाल देंगे, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और अच्छी तरह से हम इसको इसमें डालकर मिलाएंगे। और साथ ही जो है मैं यहाँ पे जो टमाटर की प्यूरी बनाई हूँ उसे भी इसमें मैं डाल दूंगी और इसे हम हाई फ्लेम में ही अभी सब फ्राई कर रहे हैं। और नमक हम इसमें डाल देंगे, पहले से मैंने इसमें नमक जो है डाल चुकी हूँ कोफ्ता में, इसलिए जो है ग्रेवी में बहुत अधिक हम नमक नहीं डालेंगे। करीब 1 छोटा चम्मच जो है इसमें हम नमक डाल देंगे। ये इस तरह से और साथ ही जो है इसमें मैंने जो पीस कर जो है आपको जो है काजू के साथ जितने भी खड़े गरम मसाले थे उसको मैंने पीस कर रखी हूँ उसे भी मैं इसमें डाल दूंगी। इसको डालने से जो है इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और हमारी जो है सब्जी बहुत ही अच्छी टेस्टी बनेगी। और ये टमाटर के साथ जो है इसी में जो है ये ड्राई नहीं रहेगा, इसके साथ इसमें घुल जाएगा, मिल जाएगा इसके साथ। ये देखिए अब जो है इसमें जो है हम कसूरी मेथी को डाल देंगे ताकि जो है इसका अच्छा फ्लेवर आए। और इसे मैं ढककर जो है तेल के ऊपर आ जाने तक जो है करीब 5 मिनट तक जो है इसे जो है मैं पकाऊंगी। और जैसे ही तेल ऊपर आएगा मीडियम फ्लेम में चम्मच चलाते हुए मीडियम टू सिम में जो है लो फ्लेम में हम इसको 5 मिनट तक जो है 5 से 7 मिनट तक जो है इसकी ग्रेवी को जो है पकाएंगे जब तक कि तेल ऊपर ना आ जाए। जितना अधिक आप ग्रेवी को अच्छे से भुनेंगे आपका जो है कोफ्ता जो करी जो है वो बहुत ही टेस्टी बनेगा। अब 5 मिनट हो चुके हैं, आइए हम ढक्कन खोलकर देखते हैं कि हमारी ग्रेवी जो है अच्छी तरह से भूनकर रेडी है कि नहीं और तेल ऊपर आ गया है कि नहीं। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से ये भुन गया है और साथ ही तेल जो है अच्छी तरह से ऊपर आ गया है। अब जो है इसमें मैं जो गरम मसाला मैंने बचा कर रखी थी कोफ्ता के अंदर डालते समय उसे हम इसके अंदर डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। साथ ही जो है मैं यहाँ पे 3 से 4 बड़ा चम्मच जो है इसमें मैं एकदम फ्रेश कर्ड डाली हूँ। एकदम फ्रेश कर्ड डालना है, खट्टा नहीं होना चाहिए, हल्का सा बस होना चाहिए
ज़्यादा इसमें जो है खटास जो है इस कोफ्ता करी को जो है का टेस्ट जो है वो ख़राब कर देगा, इसलिए जो है एकदम फ्रेश जो है हम इसमें डालेंगे। और इसे डालकर जो है हम जो है करीब जो है 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम में जो है हम इसको भून लेंगे। और जैसे 2 से 3 मिनट होगा उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ेंगे। आइए अब हम ढक्कन खोलकर देखते हैं कि ग्रेवी जो है कर्ड डालने के बाद, दही फ्रेश कर्ड डालने के बाद ये किस तरह से हो गई है। ये देखिए इस तरह से ये बहुत ही अच्छा जो है इसका ग्रेवी का कलर भी आया है और इससे बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब जो है मैं गैस का फ्लेम जो है हाई कर दूंगी और इसमें गुनगुना पानी जो है मैं 1 गिलास करीब जो है 200 ml पानी इसमें मैंने डाली हूँ। आपको जितनी गाढ़ी ग्रेवी खानी है उसी के हिसाब से इसमें पानी डालिए। तो 200 ग्राम पानी मैंने डाली हूँ और जो है क्योंकि ये कोफ्ता जो है अपने में थोड़ा सा जो है ग्रेवी जो है एब्जॉर्ब करेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा और इसमें जो है करीब 100 ml जो है पानी और डाल देती हूँ इस तरह से। और इस बीच जो है आप थोड़ा सा नमक जो है चेक कर सकते हैं, साथ ही इसमें हरी मिर्च मैं भी डाल देती हूँ, थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल के जो है एक जो है इसको उबाल हम आने देते हैं। जैसे ये एक बॉयल आएगा जो है हम इसके बाद जो है इसमें जो है कोफ्ता जो है डाल देंगे। और कोफ्ता डालने के बाद जो है तो सिम में जो है थोड़ी देर रखकर जो है इसको 2 मिनट तक जो है इसको हम 2 से 3 मिनट तक रखेंगे ताकि जो है ये बहुत ही अच्छा इसमें सारे मसालों का फ्लेवर जो है इसके अंदर जो है पहुँच जाए। आप जो है इसे जो है रोटी, पराठा, नान और प्लेन राइस और किसी भी प्रकार के पुलाव के साथ जो है आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, आप जो इसे अपने घर में जो है बनाकर अवश्य ट्राई कीजिएगा। ये देखिए आपके ढक्कन खोलकर देखते हैं ये इसमें जो है उबाल आ गया है। अब जो है मैं इसमें उबाल आ गया है और अब हम इसके अंदर जो है सारे चिकन के जो कीमा जो हमने कोफ्ता बनाया है चिकन का कोफ्ता उसको हम डाल देंगे। और इसे ढककर जो है मैं कुछ सेकंड्स तक जो है पकने देती हूँ। अब 5 मिनट हो चुके हैं, आइए हम ढक्कन खोलकर देखते हैं कि हमारी ग्रेवी जो है अच्छी तरह से भूनकर रेडी है कि नहीं और तेल ऊपर आ गया है कि नहीं। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से ये भून गया है, साथ ही तेल जो है अच्छी तरह से ऊपर आ गया है। अब जो है इसमें मैं जो गरम मसाला मैंने बचा कर रखी थी कोफ्ता के अंदर डालते समय उसे हम इसके अंदर डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। साथ ही जो है मैं यहाँ पे 3 से 4 बड़ा चम्मच जो है इसमें मैं एकदम फ्रेश कर्ड डाली हूँ। एकदम फ्रेश कर्ड डालना है, खट्टा नहीं होना चाहिए, हल्का सा बस होना चाहिए, ज़्यादा इसमें जो है खटास जो है इस कोफ्ता करी को जो है का टेस्ट जो है वो ख़राब कर देगा, इसलिए जो है एकदम फ्रेश जो है हम इसमें डालेंगे। और इसे डालकर जो है हम जो है करीब जो है 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम में जो है हम इसको भून लेंगे। और जैसे 2 से 3 मिनट होगा उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ेंगे। आइए अब इसको सिम में रखे हुए 2 मिनट हो चुके हैं, अब जो है हम इसका ढक्कन खोलकर देखते हैं कि ये हमारा जो है चिकन कोफ्ता करी रेडी है कि नहीं। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से ये बन गया है, ये देखिए। और तेल भी कढ़ाई के किनारे किनारे जो है और इसके ऊपर आ गया है। अब हम जो है गैस बंद कर देंगे और इसको जो है हम डिश आउट कर लेंगे। और डिश आउट करने से पहले मैं थोड़ा सा धनिया की पत्ती इसमें डाल देती हूँ इस तरह से। अब जो है हम इसे डिश आउट कर लेंगे, इसे हटाती हूँ मैं यहाँ से और यहाँ पे हम एक प्लेट रख देते हैं और इसे जो है अब हम देखिए बहुत ही अच्छा बना है, इससे बहुत ही खुशबू आ रही है।
एक कोफ्ता और मैं डाल देती हूँ इसमें। इस तरह से बहुत ही अच्छा जो है बना है। और इसमें और भी हम ग्रेवी इस तरह से डाल देते हैं, ये हमारी जो है। और साथ में जो है हम एक धनिया से हम इसको गार्निश कर देते हैं, धनिया की पत्ती से इस तरह से। और साथ ही हम इसमें मिर्च भी डाल देते हैं इस तरह से। ये हमारी जो है चिकन कोफ्ता करी बनकर तैयार है, जो बहुत ही यम्मी है। यदि आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। साथ ही मेरे चैनल के नीचे दिए गए लिंक में जाइए, उसे क्लिक कीजिए और मेरे अमेजोन स्टोर से अपनी मनपसंद चीज़ें परचेस कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।